चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माँ दुर्गा, जय माँ वैष्णो। आप लोगों को बता दूं, नहर की सिटी रिकॉर्ड करने जा रहा है। आप लोगों को पता ही है, पूरे भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, जैसे ही हिंदू धर्म का उत्सव का नाम आता है तो पश्चिम बंगाल सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है। और काली पूजा उत्सव का नाम जैसे ही आता है, वैसे ही नहटी सिटी और बारा सिटी आता है लोगों के दिमाग में। नहटी सिटी जो कि जाना ही जाता है बौड़ो माँ के नाम से, जो कि जाना जाता है आस्था के नाम से, लेकिन इस साल आप लोगों को बता दूं, नहटी सिटी रिकॉर्ड करने जा रहा है। मैं जहां पर खड़ा हूं, जिस पूजा मंडप टीम के पास मैं खड़ा हूं, बता दूं वैष्णो देवी के तर्ज पर इस पंडाल को बनाया गया है। हूबहू वैष्णो देवी का जो मंदिर पहाड़ों पर बसा हुआ है, उसी मंदिर को यहाँ पर इस बार काली पूजा के उपलक्ष्य पर दर्शाया जा रहा है। और ठीक पहाड़ों पर वैष्णो देवी का मंदिर जिस तरीके से बसा हुआ है, उसी चीज को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा इस साइड में, वैष्णो देवी का मंदिर में पहाड़ के ऊपर जितने भी छोटे छोटे मंदिर बसे हुए हैं, उनको भी यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। माता कोलकुंडा का मंदिर आप लोग यहाँ पर सीधे सीधे विराजमान होता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो माता वैष्णो देवी का जितने भी रूप हैं, उन सारे रूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है। फिलहाल मैं आप लोगों को ऊपर ले चलता हूँ, और ये भी बता देता हूँ, अब इस पूजा को देखने के लिए आप लोगों को नहटी स्टेशन उतरना है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म से निकलना है। निकलते के साथ ही रेलवे हॉकर्स यूनियन के तरफ से वैष्णो देवी का ये थीम काली पूजा के उपलक्ष्य पर अब बनाया गया है। सच में एक ग्रेट सल्यूट है। तो ठीक जिस तरीके से पहाड़ों पर माता वैष्णो देवी बसी हुई है, ठीक उसी मंदिर को हूबहू यहाँ पर बसा दिया गया है। ठीक पहाड़ के ऊपर जिस तरीके से वहां पर सीढ़ी है, इस मंडप में भी उसी तरीके से सीढ़ी का निर्माण किया गया है, उसी चीज को झलकाया जा रहा है। साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं माता वैष्णो देवी का वो सारा रूप यहाँ पर झलकाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और एक और यहाँ पर मंदिर आप लोग देख सकते हैं, जिसका नाम भूमि मंदिर। ठीक माता वैष्णो देवी पहाड़ों पर जो बसी हुई है, जितना भी मंदिर है, वो सारे मंदिरों को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। धीरे धीरे आप लोगों को मैं इस पहाड़ के ऊपर ले चलता हूँ। बता दूं ग्रेट सल्यूट है नहटी रेलवे हॉकर्स यूनियन काली पूजा कमेटी को, जो हर साल वो लोग एक से एक बेहतरीन पूजा मंडप थीम बना रहे हैं, दर्शाते आ रहे हैं। जैसे ही पहाड़ के ऊपर यानी कि वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर हम लोग आते हैं, इस मंदिर में जो डिजाइन जो डेकोरेट किया गया है, ग्रेट सल्यूट है यानी कि घोड़ा देखने मिलेगा। इसके अलावा माता वैष्णो देवी का वो रूप, वैष्णो देवी मंदिर में अगर माता वैष्णो देवी ही विराजमान ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो माँ काली के साथ ही साथ वैष्णो देवी का वो रूप भी आप लोगों को, शेरावाली का रूप भी आप लोगों को देखने मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर पहाड़ के ऊपर देवाधिदेव महादेव को भी यहाँ पर विराजमान किया गया है। सच में अपने आप में ये एक ग्रेट सैल्यूट करने वाली बात है, जो रेलवे हॉकर्स यूनियन माता वैष्णो देवी के मंदिर को हूबहू पूरा यहाँ पर बसा दिया। नहटी वासी लोगों के लिए गर्व करने वाली बात है कि काली पूजा के उपलक्ष्य पर नहटी में एक से एक बेहतरीन थीम बनाए जाते हैं। सीधा सीधा मंडप के भीतर में आप लोगों को लेकर आऊंगा। मंडप के भीतर का जो डिजाइन आप लोग सीधे सीधे देख रहे हैं माता वैष्णो देवी मंदिर का, हूबहू उसी तरीके से दर्शाने का यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है। आप लोगों को इस मंडप के भीतर कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। माँ काली यहाँ पर विराजमान होंगी, इसके अलावा ठीक इनके बगल में यहाँ पर शिला मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। तो एक ग्रेट सल्यूट है रेलवे हॉकर्स यूनियन के सभी सदस्य को, और साथ ही साथ इस मंडप को खड़ा करने के पीछे दिन रात मेहनत करके जितने भी कारीगर जो लगे पड़े हैं, उनको भी एक ग्रेट सल्यूट है। वो लोग अगर नहीं रहते तो ये मंडप हम लोगों को देखने नहीं मिलता, और उत्सव फेस्टिवल क्या होता है वो हम लोगों को पता नहीं चलता। चलिए फिलहाल माता वैष्णो देवी मंदिर का यानी कि पहाड़ों पर जो शेरावाली बसी हुई है, ठीक हूबहू इस साल रेलवे हॉकर्स यूनियन काली पूजा के उपलक्ष्य पर बनाकर खड़ा कर दी है। सच में जोर से हम लोग नारा लगाएंगे, माता वैष्णो देवी शेरावाली मैया की जय। तो चलिए आप लोगों को पूरा पूरी वो दृश्य दिखा दिया हूँ। एक बार मैं बोलूंगा चारों तरफ दिखाने के लिए हमारे छोटका भैया को, क्योंकि ये एक गर्व करने वाली बात है हिंदू धर्म सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं। जोर से कमेंट सेक्शन में आप लोग नारा लगाइएगा, शेरावाली मैया की जय, माता वैष्णो देवी की जय, जय माँ काली, जय बौड़ो माँ। फिलहाल धीरे धीरे अब हम लोग माता वैष्णो देवी के मंडप को छोड़े जाते हैं इस सीढ़ी के जरिए।
तो चलिए आप लोगों को माता वैष्णो देवी का दर्शन करा दिया हूँ। जो लोग माता वैष्णो देवी मंदिर के पास नहीं जा सकते हैं, काली पूजा के उपलक्ष्य पर नहटी 5 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना है रेलवे स्टेशन, रेलवे हॉकर्स यूनियन की तरफ से इस साल माता वैष्णो देवी का ये मंदिर बनाया गया है। मिलते हैं अब हम लोग नहटी सिटी के कोई और पूजा मंडप थीम के पास। जब तक के लिए आज का ये मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ काली।